जर्नलिस्ट बने हो, ये जो है ये मारेंगे भाई, ये डेविड मलान मारेगा, ये बैन स्टॉक मारेगा, ये भूतनी का मारेगा, अबे मेरा घंटा मारेगा, कहां से मारेगा, देख ले, तेरे नाजायज बाप के चक्के उड़ा दिए यहाँ पे सालो, बदमाशियां करते हो। ये मैच जीत सकता है, और मुझे ये भी लग रहा है कि इंग्लैंड वापस ट्रैक पे चढ़ने वाली है। और अगर आज सच मुझे लाते लगता है हैं, इंडिया को अश्विन की याद आएगी। यस, डू यू एग्री? चेहरे से दोबारा बताएं। बॉलिंग मैच जीत गई तो भाई साहब, फिर मैं क्या कहता हूँ यार, चुप करके बाकी मैच ना कराओ, वर्ल्ड कप ट्रॉफी लो और घर जाओ। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सेट करेगा जीत की कि क्रिकेट ऐसे खेला है। अच्छा ओके भाई, क्या होगा? इंग्लैंड 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 जीतेगा। अच्छा बास भाई, इंडिया इंडिया सर, इंडिया इंडिया इंग्लैंड इंग्लैंड। ओके चले भाई देखते हैं, अगर वसीम भाई कोई दुनिया में। लो जी, एक और गया, शेयर से यार आउट हो गए हैं, और भारत 40 पे 3 हो गया। तो मुझे नहीं लगता रही से 150 से ज़्यादा बना पाएंगे, जो मुझे उम्मीद लग रही है कि मुश्किल से बाहर 150 या 200 के। आप मैच में पता है टोटल काम है, यहाँ आपको पता है 300 पे 300 होता है रात को, यहाँ आपको सबको पता है ये रन ओवर टारगेट है। लेकिन यार डिमोरलाइज करने के लिए हमारे पास है क्या? डिमोरलाइज करने के लिए हमारे पास अच्छी बॉलिंग है, आउट पे पिचा डालते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे लिए इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर बैट्समैन में जो मारेंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं। वो आपने वो लड़ाई देखनी है, वो एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड है। और की और 230 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। क्या इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में कमबैक करने वाली है? अभी हमने भी 11 नवंबर को इंग्लैंड के साथ ईडन गार्डन के अंदर मैच खेलना है। तेज रन करने की, अब पिच ऐसी भी नहीं है कि आप कहें कि यार बहुत ही बुरी पिच है या बॉल बहुत स्क्वायर टर्न कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टर्न है, बिल्कुल है, बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, पेस बॉलर्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली, बट देन यू एक्सपेक्ट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन लखनऊ, क्योंकि लखनऊ की जो ग्राउंड है यहाँ पर, मतलब बॉलर्स को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलता है। थोड़ा सा मुझे लगा कि इंडिया आज कुछ ज्यादा ही, आई थिंक जो एडवांटेज मिलेगा इंग्लैंड को यही है कि दे विल नो व्हाट टारगेट दे आर चेसिंग, बट इट्स गोइंग टू बी टफ। आई मुझे ऐसा लगा जैसे आज इस पिच पे इनको अश्विन को खिलाना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है कि स्पिनर्स के लिए साजगार है पिच। लेकिन शामी ने भी पिछले मैच में 5 विकेटें ली हुई है, तो ही इज इन फॉर्म। तो इंडिया की बॉलिंग तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब इंग्लैंड की बैटिंग का टेस्ट होगा कि वो मतलब इस टारगेट को किस अंदाज से जो है वो चेस डाउन करता है। अच्छा ऑफ कोर्स टेस्ट है बॉलिंग डिपार्टमेंट का इंग्लैंड के। कल के मैच पे नजर, टोटल 229 स्कोर बना पाई है और इंडिया के जो है 9 खिलाड़ी आउट हुए। और अगर देखा जाए तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो आज के मैच में कुछ खास कर नहीं पाया, खास करके। हेलो दोस्तों, भारत ने आज पहले बैटिंग करी थी और भारत 229 रन पर ऑल आउट हो गया था। देखो दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भारत को सब मजाक टाइप में बना रहे थे कि आज इन्हें अश्विन की जरूरत पड़ेगी, आज इन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोस्तों भारत ने 229 स्कोर को क्या डिफेंड किया है और इंग्लैंड की टीम को हरा दिया है। दोस्तों पाकिस्तान वाले राख हुए पड़े हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत आज का मैच हार जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है और इसी बात से पाकिस्तानी के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं, वो दुखी नज़र आ रहे हैं। एक समय तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि कोई भी कोई एक्सपर्ट राय दे रहा कि आज अश्विन की ज़रूरत थी, आज इसकी ज़रूरत थी, आज उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रैक जो था स्पिन ट्रैक था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी करना शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि भारत कम स्कोर पर सिमट गया था और इंग्लैंड की जो भारी भरकम बैटिंग है, तो इस वजह से वो इस बारे में भारत के बेइज्जती करे जा रहे थे कि भारत 229 पर आउट हो गया, अश्विन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों फिर जिस प्रकार बुमराह और शामी ने बॉलिंग करी है, उसका दीवाना हो गया है पाकिस्तान। दोस्तों रिएक्शन देखते हैं फिर। 83 का स्ट्राइक रेट बनता है 24 बॉलों का, अगर आप देखें जो शुरू की 24 बॉलों ने खेली है, और अंदाजा उनको हो गया था कि यहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उन्होंने निकल के छक्का भी मारा। डेविड विली का पहला ओवर मिडिल और अगले ओवर में बैट उनका थोड़ा सा घूमा हाथ में, स्लिप भी हुआ, लेकिन वही चीज थी कि रन लेके चले। लेकिन जहां मेरे ख्याल में विराट कोहली आउट हुए, तो वहां पे उन्होंने फिर उसके बाद अपना गेम चेंज किया कि नहीं अब डीप जाना चाहिए। ओके जनाब राशि साहब, आज की जो पिच थी, डेविड विली ने तो इनिशियल परचेज और स्विंग भी कर लिया, थोड़ा वो तो हो गया। हाउ डू यू सी कि मोइन अली को उन्होंने रिटेन किया डिस्पाइट कि इंडिया के पहले 6 राइट हैंडर्स हैं? मैं आपके पहले ही आ गया, कूद गया मैं। आदिल रशीद ने जो बॉल की थी उसके फौरन बाद ही मोइन अली को आ जाना है। मोइन अली 26वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए, ठीक, मतलब 26वें ओवर में बनता नहीं था, शायद उन्होंने देखा था कि हम डीप पर भी मोइन को ही लेके जाएंगे। तो लेकिन आदिल रशीद ने बहुत टाइम पे
शायद जडेजा को आउट किया, वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। तो ये एक खास चीज जो नजर आई थी कि 26वें 28वें 30वें वो आगे जो ओवर करे वो मोइन अली ने, अगर पहले लाते तो शायद और इफेक्टिव हो सकते थे। ओके, और आज प्रोबेबली मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल किया है कमरान मार्क वुड ने अपने इस वर्ल्ड कप का, एंड 9 ओवर्स एंड सिर्फ 5.11 जो है वो उनकी इकोनॉमी बनती है। तो ही यूज्ड हिज पेस, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच ज्यादा हेल्प कर गया इनको। क्या कहते हैं कमरान? डॉक्टर साहब देखिए, कंडीशंस थोड़ी सी उनको फेवरेबल मिली तो उन्होंने जिस तरीके से आज परफॉर्म किया ना, तो एक टीम कमबैक करते हुए आपको दिखाई देती है, मुझे तो इंग्लैंड आज वैसे लगा है। अब ये इंडियन बॉलर्स के ऊपर है, जड्डू के ऊपर और कुलदीप यादव के ऊपर, कि वो इनको कैसा पकड़ते हैं। अगर अर्ली विकटें इंडिया हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो ये टारगेट चेज करते हुए भाई फंस भी सकते हैं गोरे, ये मैं आपको बता दूं। बट मैं ये स्टोरी इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कमबैक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड वापस ट्रैक पे चढ़ सकता है। पाकिस्तानियों की तो उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है उधर से ये हो उधर से ये हो, हम 3 मैच जीते फिलाना उससे हारे, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका न्यूजीलैंड हारे, हम तो न्यूजीलैंड को बाहर निकाल के अपनी टीम को बीच में फिट करना चाह रहे हैं। बट मुझे ये इंग्लिश टीम कमबैक करती हुई और वापस ट्रैक पे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छे नोट के ऊपर हमें भी वर्ल्ड कप खत्म करना है, वर्ल्ड कप अच्छे नोट पे इंग्लैंड भी खत्म करना चाह रहा है। सो अगर इंग्लैंड को यहाँ से आज वाला मैच जीत के 2 मैचेस उनको जीत में मिलते हैं, उनको अगर थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो 11 नवंबर को आखिरी मैच होना है ईडन गार्डन में, जिसमें पाकिस्तान का भी आखिरी मैच होगा राउंड का और इंग्लैंड का भी आखिरी मैच होगा, वो मैच होगा बड़ा। और अगर दोनों टीमें उससे पहले ही टूर्नामेंट से आउट हो जाती हैं तो उसके बाद दोनों टीमें अपने अपना दाग धोने के लिए, अपना मुंह धोने के लिए उस मैच को अच्छा खेलेंगे। सो मुझे एक इंटरेस्टिंग मुकाबला पाकिस्तान इंग्लैंड का ईडन गार्डन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत सारे मैंने ट्विटर के ऊपर इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स के ट्वीट्स पढ़े हैं, इंडियन जर्नलिस्ट के ट्वीट्स पढ़े हैं। एक तो हम दोनों पड़ोसी ऐसे हैं कि अगर टीम अपनी टीम बुरा खेले ना तो हम ना वो टीम के ना कीड़े निकालते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। भाई आपकी टीम बड़ी है, 5 मैचेस आप जीत चुके हो, थोड़ा हौसला रखो। वो बेचारे शरियास अय्यर के खिलाफ ट्वीटें जनाब होना शुरू हो गई हैं, हार्दिक पांड्या की इंजरी के ऊपर लोग बोलना शुरू हो गए हैं, शुभमन गिल बोल्ड हो गए, उनको गेंद अच्छा पड़ा क्रिस वोक्स का, उसके ऊपर लोगों ने जनाब अपना भाषण देना शुरू कर दिया है। विराट कोहली ने कितने मैचेस जितवाए हैं, वो चलो ठीक है आउट हो गए हैं, कोहली की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाकियों को इंडियन फैन और इंडियन जर्नलिस्ट बाकियों को नहीं भाई माफ़ करते, वो हमारे वाला हिसाब ही है। जैसे हमारे यहाँ वो कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो एक दो साहब कराची में बैठे होते। दोस्तों जैसे कि आपने पाक मीडिया का रिएक्शन में देखा, पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि यार भारत इतने कम स्कोर को भी डिफेंड कर लेता है, जबकि भारत की इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं है। जबकि बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पास पूरी 11 नंबर तक बैटिंग थी, लेकिन भारत ने फिर भी वह स्कोर का बचाव कर लिया। तो दोस्तों यही चीज़ पाकिस्तानी की मीडिया को देखना चाहिए ना कि भारत कैसे डिफेंड करता है। आप हारते फिर अपने लिए खेलते हो, लेकिन भारत में ऐसा कोई नहीं है। सूर्या ने 49 बॉल पे 50 रन पर आउट हो गया, उठा के मारा लेकिन तब भी वो आउट हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।